नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। एक शख्स ने कार में अपनी प्रेमिका निक्की यादव की हत्या की और उसके शव को 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे में ले जाकर उसके फ्रिज में रख दिया। इतना ही नहीं, आरोपी साहिल गहलोत ने अगले ही दिन किसी दूसरी लड़की से शादी भी रचा ली और दोनों ही परिवारों को कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई कि साहिल गहलोत एक हत्या करके शादी करने पहुंचा है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साहिल की निशानदेही पर शव को भी फ्रिज से बरामद कर लिया। शव का पोस्टमार्टम भी हो गया है। निक्की यादव झज्जर के खेड़ी गांव की रहने वाली थी और कई सालों से साहिल के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। निक्की के परिजन उसका शव लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उन्होंने हत्यारे के लिए फांसी की सजा देने की मांग की है। इस बीच निक्की यादव का आज पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन यहां पर यह भी सामने आया है कि निक्की के परिवार का यह कहना है कि उन्हें निक्की के रिश्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। निक्की ने कभी साहिल के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताया था। और उधर वो लड़की जिससे आरोपी साहिल गहलोत ने शादी की है, उन लोगों को भी पता नहीं चला कि साहिल ने पहले से किसी रिलेशनशिप में था और उसके बाद वो किसी की हत्या करके शादी करने पहुंचा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे निक्की यादव और साहिल गहलोत की, जो एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे दोनों। 2018 से एक दूसरे को जानते थे। इस बीच हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें निक्की यादव अपने बॉयफ्रेंड साहिल के घर जाती हुई दिख रही हैं और इसके बाद ही उसकी हत्या की बात सामने आई है। निक्की यादव को आखिरी बार दक्षिण पश्चिम दिल्ली में अपने घर में एंट्री करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों कई सालों से साथ रह रहे थे और 9 फरवरी के वीडियो में वो अकेली यहां पर नजर आ रही हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस वीडियो के कुछ घंटों बाद ही साहिल गहलोत ने निक्की की हत्या कर दी। आपको सुनवाते हैं निक्की के पिता का यहां पर क्या कुछ कहना है। कल हमारे पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सर। हाँ, अभी उसका उनका पोस्टमार्टम होना है तो उनको लेके आना है डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी, तो हमारे क्राइम ब्रांच के जिस सेक्शन ने काम किया, काफ़ी काबिल तारीफ है। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको, जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे। वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। हाँ, हमने कल 5 दिन की रिमांड ले ली है यही सारी चीजें करने के लिए, सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली पर एक ये अपराध को लेकर एक और बट्टा लगा है। इस मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है कि किस तरह से बेरहमी से हत्या की जाती है और उसके बाद शव को फ्रिज में छुपा दिया जाता है अपने ही ढाबे में, और अगले दिन ये जो आरोपी है ये जाकर शादी कर लेता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। पुलिस तक ये मामला मुकेश कैसे पहुंचा, कैसे पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि जो स्पेशल सीबी क्राइम बता रहे थे कि इस निक्की यादव की हत्या की ना कोई कंप्लेन थी, ना उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन टेक्निकल जाँच के बाद जो क्राइम ब्रांच थी उसको ये मालूम चला कि जो निक्की यादव है वो मिसिंग है। इसके बाद ये भी जानकारी मिली कि निक्की यादव की साहिल गहलोत ने हत्या कर दी है। उसके बाद साहिल गहलोत के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, लेकिन वो घर से गायब था और कई दिन की जांच के बाद कल सुबह उसको पकड़ा गया है। जब उसको पकड़ा गया तब उसने बताया कि उसने निक्की यादव की हत्या कर दी है और बेसिकली 9 फरवरी को वो निक्की यादव से मिलने के लिए पहले बिंदापुर गया था। बिंदापुर का जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है जिसमें निक्की यादव अपने घर से निकलती हुई दिख रही है, उसके बाद निक्की यादव साहिल गहलोत के साथ वरना कार में सवार हुई। इसके बाद दोनों कश्मीरीगढ़ इलाके में गए और वहां पर निक्की को ये जानकारी मिली कि साहिल अपनी सगाई करके आया है और 10 फरवरी यानी कल उसकी शादी होने वाली है। वह इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद आरोपी साहिल गहलोत ने मोबाइल के चार्जर से निक्की गहलोत का गला घोंट दिया और गला घोंटने के बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसके शव को कार में लेकर कश्मीरी गेट से मित्राऊ गांव पहुंचा। मित्राऊ गांव के बाहर उसका ढाबा है और ढाबे में जो फ्रिज था उसी फ्रिज के अंदर उसने निक्की यादव के शव को रख दिया। अगर हम देखें तो कश्मीरी गेट से मित्राऊ गांव तक की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, तो शव को वहाँ तक ले गया। उसके बाद उसने अगले दिन यानी 10 फरवरी को
एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और अपने घर से गायब हो गया। दिल्ली पुलिस जब उसके घर पहुंची तब वो घर में नहीं मिला, लेकिन टेक्निकल जांच के बाद उसको कल सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हुंडई वरना कार भी बरामद कर ली गई है जिसमें वो निकी यादव का शव लाया था। जांच में ये बात साफ हुई कि निकी यादव और जो आरोपी साहिल गहलोत है ये दोनों 2018 से एक दूसरे को जानते थे और दोनों लिव इन में रह रहे थे, क्योंकि उत्तम नगर में निकी यादव भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी और आरोपी भी वहां पर एसएससी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद दोनों गलगोटिया कॉलेज ग्रेटर नोएडा में दोनों ने एडमिशन लिया और वहाँ पर भी ये लोग एक साथ में रहते रहे। इसके बाद कोविड के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन फिर निकी यादव जो है वो बिंदापुर इलाके में आई और दोनों साथ साथ रह रहे थे। इसी बीच साहिल के घर वालों को ये बात मालूम चल गई कि साहिल का किसी लड़की से रिलेशन है, इसके चलते उन्होंने साहिल का रिश्ता तय कर दिया और 9 फरवरी को उसकी सगाई हुई और 10 फरवरी को उसकी शादी हुई। तो एक तरह से उसने 3 परिवार बर्बाद कर दिए, पहला अपना, दूसरा निकी यादव का और तीसरा उस लड़की का जिससे उसने 10 फरवरी को शादी की थी। वो लड़की भी झज्जर की रहने वाली है, उसके माँ बाप की मौत पहले हो चुकी है, उसके मामा ने उसकी शादी की है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो डीएनए सैंपलिंग है और जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो जुटाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मुकेश कह रहे हैं कि आरोपी साहिल गहलोत जो है उसने एक साथ 3 परिवार यहां पर बर्बाद कर दिए हैं, एक निकी यादव का, एक अपना खुद का परिवार क्योंकि अब वो जेल में है, और एक वो लड़की जिससे उसने अंधेरे में रखकर शादी कर ली। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा ही मामला मुंबई से भी सामने आया जहां पर प्रेमी ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की हत्या कर शव को बिस्तर के अंदर छिपा दिया। मुंबई से सटे पालघर जिले के नाला सोपारा का यह मामला है। आरोपी चुपचाप भागने की फिराक में था और तभी पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस जाकर ट्रेन से उसको पकड़ाया जहां पर वो राजस्थान भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी का नाम हार्दिक है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। हार्दिक और मेघा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी नहीं हुई थी लेकिन 6 महीने से दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में थे और 1 महीने पहले ही नाला सोपारा के सीता सदन में रहने आए थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन हार्दिक शाह फरार हो गया। पड़ोसियों को घर से बदबू आई तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस जब दरवाजा खोल घर में घुसी तो देखकर हैरान रह गई। पलंग के अंदर मेघा का शव पड़ा था। हार्दिक कुछ काम धंधा नहीं कर सकता था। मेघा प्रोफेशन से नर्स थी, वो पैसा कमा के उसको खिलाती पिलाती थी। हार्दिक कुछ काम नहीं करता था, इसके कारण उनमें हमेशा झगड़े होते थे। उसके बारे में पड़ोसियों ने भी शिकायत की थी, तो उस कारण से, वो झगड़े के कारण से हार्दिक ने मेघा का गुस्से में आकर उसका मर्डर किया और घर का सामान, उसकी लाश उसने बेड में, घर के बेड में छुपाई और बाकी का सामान उसने बहुत जल्दी में कुछ लोगों को बेच के वो पैसा लेके वो फरार हो गया था। पलंग के अंदर शव मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। मेघा और हार्दिक के घर वालों का पता लगाकर उनके बयान लिए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर आरोपी हार्दिक शाह की लोकेशन पता लगाई। हमें पता चला कि वो ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन का लोकेशन लेके फिर हमने रेलवे पुलिस से मदद से उसको रास्ते में रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी हार्दिक शाह को नागदा स्टेशन से गिरफ्तार कर तुलंज पुलिस थाने लाया गया है और आगे की तहकीकात की जा रही है। पालघर से राजा मयाल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर एक और खबर आई, दिल्ली के नांगलोई इलाके में चाकुओं से गोद कर सरेहाम एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। साहिल मलिक नाम के शख्स की बीच सड़क पर हत्या हुई है। बाइक टच हो जाने के मामूली से विवाद में बदमाशों ने इस हत्या को अंजाम दिया। आरटीवी बस से ये बाइक टकरा गई थी और सिर्फ एक जरा सा कहा जाए कि टच हुई थी और उस पर साहिल के भाई की पहले बदमाशों ने पिटाई की। थाने जाने पर पुलिस ने साहिल को बिना सुरक्षा बाइक ले आने को भेज दिया, क्योंकि यह अंदाजा नहीं था किसी को भी कि इतनी बड़ी हत्याकांड को यहां पर अंजाम दे दिया जाएगा। थाने से कुछ ही दूरी पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अपने भाई की बाइक लाने पहुंचा था साहिल और उसके बाद उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले हुए। साहिल मलिक की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी सनी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपियों की अभी तलाश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें यहां पर साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। कल करीब 6:30 बजे शाम में विशाल मलिक जो अपनी बाइक पे जा रहे थे, बाइक की एक आरटीवी से टचिंग हो गई थी जिसपे
आरटीबी वालों के साथ इनका झगड़ा हुआ था। बाद में जब आरटीबी बस स्टैंड पर पहुंची तो दोबारा ये बात और बढ़ गई और दोबारा इनका झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने विशाल मलिक की बाइक को डैमेज कर दिया। उसके बाद विशाल मलिक थाने में आए थे, जिन्होंने कंप्लेंट की थी। जहां बाइक डैमेज हुई थी वहां पे विशाल मलिक के छोटे भाई साहिल मलिक अपने दो दोस्तों के साथ पहुंचे थे। दोबारा फिर ये झगड़ा वहां पे हुआ, जिसमें आरटीबी पे सवार कुछ लोगों ने साहिल मलिक और उनके दोस्तों पे हमला किया और चाकू से एक इंजुरी हुई, जिसपे साहिल मलिक की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। तो फिलहाल देश की बात में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी से जुड़ी खबर की बात करेंगे, जिसमें अब पीड़ित परिवार ने लगाया है भेदभाव का आरोप। आईआईटी बॉम्बे के छात्र की खुदकुशी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में दर्शन सोलंकी नाम के इस छात्र के परिवार वालों ने आईआईटी बॉम्बे में उसके साथ जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। दर्शन सोलंकी की बहन ने कहा है कि उसकी जाति पता चलने के बाद दोस्तों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। दर्शन की चाची का कहना है कि उसके साथ पढ़ने वाले कहते थे कि वो मुफ्त में पढ़ाई कर रहा है, जबकि उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। दर्शन की मां ने भी आरोप लगाया कि कई लड़के उससे जलते थे और उसे परेशान किया जा रहा था। हालांकि दर्शन के पिता और दादा ने कहा है कि जातिगत भेदभाव की उन्हें जानकारी नहीं है। उधर आईआईटी बॉम्बे ने पहले ही सफाई देते हुए ये कहा है कि जातिगत भेदभाव का जो आरोप है वो गलत है और फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि दर्शन सोलंकी की उनकी माता, उनकी बहन और उनके पिता का क्या कुछ कहना है। सच्ची है, सब कुछ सच है। क्या हुआ था जनवरी में, तो क्या बताया था उसने? जनवरी में वो दोस्त ही है। और क्या बताया, क्या था इससे बड़ी मम्मी को जो बोला? तू खोने वाली, कभी वो बात नहीं कहता हो। तो जो ये आरोप लग रहे हैं कि जाति सूचक टिप्पणी उसको की गई थी, प्रेशर उसको किया जाता था वहाँ पर, जो बड़ी मम्मी ने भी बताया इनकी, वो सब सच है? सच है, उसको होता था परेशानी है। क्या लगता है उसको टॉर्चर किया जा रहा था? अरे ऊपर से बिल्डिंग से जो गिरने की जो बात बताई जा रही है, उसमें क्या आपको लगता है? परेशान बहुत हो गया इसलिए। हाँ, वो ड्रामा आया था तो मुझे मम्मी पापा को बताया था कि वहाँ पे ना जाति भेदभाव किया जाता है। अच्छा, क्या बताया था, क्या जाति भेदभाव उसके साथ में किया गया था? लाइक उसके साथ ना उसके फ्रेंड्स को ये पता चला कि SC ST से बिलोंग करता है, तो उनको ना उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। लाइक उसके साथ कुछ बोला नहीं जाता था, लाइक उसके साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता था, उसके साथ कोई अच्छे से रहता नहीं था। अछूत वाला व्यवहार उसके साथ में किया जाता था। ये कब बताया था उसने आपको? जब उत्तरायण में आया था तब बताया था। तब बताया था। और पढ़ने लिखने में कैसा था दर्शन? पढ़ने लिखने में तो बहुत शार्प था। बहुत शार्प था। मेरे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो प्रेशर में था। मेरे को ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि वो प्रेशर में हो। तो आपको क्या लगता है? फोन आया उसके 2 घंटे पहले, IIT में से फोन जब आया उसके 2 घंटे पहले, तो मेरे उससे बात हुई थी। अच्छा, क्या बोल रहा था, क्या बात हुई थी आपकी? बस नॉर्मली बात, कैसे हो, मजे में। बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था तो उसको विश करने के लिए फोन किया था, नॉर्मल बात करने के लिए फोन किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? बस उसके बाद कुछ हर वजह उसके बाद वो घूमने जाने वाला था, तो मैंने उसके अकाउंट में पैसे भी डाले। वो मना कर रहा था कि नहीं, इतने पैसे तो है मेरे पास, और वो पैसे भी बहुत खर्च नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने डाले पैसे। और वो मना ही कर रहा था, पैसे नहीं चाहिए। और उधर IIT बॉम्बे ने बयान जारी करके कहा है कि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष के छात्र की मौत की वजह भेदभाव है। तो यहाँ पर IIT बॉम्बे की तरफ से ये जो सफाई है, ये कल ही यहाँ पर आई थी, उसमें ये कहा गया कि कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष के छात्र की मौत की वजह भेदभाव है। हम इस बात का मजबूती से खंडन करते हैं, इसे सांस्थानिक हत्या बताना सही नहीं है। पुलिस अभी इसकी जांच ही कर रही है, अभी तक किसी भेदभाव का इशारा नहीं मिला है।
दोस्तों से जो मिली सूचनाएं हैं उसमें भी कोई भेदभाव की बात सामने नहीं आई है। संस्थान को पूरी तरह समन्वयवादी बनाने को लेकर पूरा एहतियात बढ़ता जाता है। फैकल्टी द्वारा किसी भेदभाव को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाता है। दाखिले के बाद किसी छात्र की जाति उजागर नहीं की जाती। इसमें यह भी कहा गया कि छात्रों को संवेदनशील बनाने की पूरी कोशिश होती है। IIT बॉम्बे की का अपना STSC सेल भी है, वहां कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहां बीते सालों में बस ना के बराबर ही शिकायतें आई हैं। एक मामले में ठोस शिकायत सामने आई थी जिसमें कार्रवाई भी की गई है। और इस बीच आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी IIT बॉम्बे पहुंचे। अठावले ने कहा कि जातिगत भेदभाव के आरोप से IIT प्रशासन ने इनकार किया है, लेकिन अगर आरोप है तो जांच होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई में IIT आता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मदद देने के बारे में मैं CM डिप्यूटी CM से बात करूंगा और गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात करके इस फैमिली को कुछ मदद मिल सकती है, मतलब मिलनी चाहिए, इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। पूरी इंक्वायरी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी जो पुलिस ऑफिसर ने हमको बताया है कि भाई पिताजी से उनकी आधा घंटा पहले बात हुई थी और उन्होंने पिताजी को बोला था कि मुझे एक सब्जेक्ट ठीक नहीं गया है और उन्होंने बोला था कि चिंता मत करो मैं मुंबई आ रहा हूँ, ऐसा पिताजी ने उनको बोला था। लेकिन इसका क्या कारण है, इसके पीछे और भी क्या कुछ कारण हो सकता है क्या, इसकी पूरी जांच अगर स्पेशल ऑफिसर इंक्वायरी के लिए आएगा तो पूरा पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। तो यहाँ पर रामदास अठावले को भी आपने सुना जो साफ तौर पर यहाँ पर जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसलिए बार बार सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या वाकई हमारा हमारे जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, क्या उनका जो विचारधारा है, उनकी जो मानसिकता है, क्या उसमें बदलाव आना जरूरी नहीं है? कब तक आखिर इस तरह के भेदभाव जो है वो झेले जाएंगे? हालांकि IIT बॉम्बे में ये जो दर्शन सोलंकी का मामला है इसमें अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये जो खुदकुशी है इसकी वजह क्या रही है, उसमें अभी तक जांच चल रही है। लेकिन अमूमन इस तरह के जो मामले सामने आए हैं उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि छात्रों को अक्सर भेदभाव जो है वो झेलना पड़ा है, ये बातें सामने आई है। और यहां पर अब नया मोड़ इसलिए आ गया है क्योंकि परिवार ने अब जातिगत भेदभाव के आरोप साफ तौर पर लगा दिए। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रकाश अम्बेडकर साहब हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अध्यक्ष हैं BBM के। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। IIT बॉम्बे का जो मामला सामने आया है दर्शन सोलंकी का, उसमें हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है प्रकाश जी, लेकिन यहां पर ये कोई पहला मामला नहीं है जातिगत भेदभाव का आरोप जो परिवार लगा रहा है, ऐसे मामले अक्सर देखे गए हैं हमारे देश में। सवाल ऐसा है उसमें कि उसके परिवार पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परिवार वालों के साथ में उसकी बातचीत रही है और परिवार वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि किसी पर वो आरोप लगाए या बेबुनियादी सवाल वहां पर उठाए, इसलिए कि लड़का और उसके माँ बाप जो है वो आपस में बात करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उसी को बेस बनाकर महाराष्ट्र की पुलिस जो है उन्होंने उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि उसको जो है वो ऊपर से कूदा हुआ है, सातवें माले से जो है वो कूदा हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन आप ये कूदने की वजह क्या है वो जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रकाश जी ये जो बात सामने आती है कि कहा जरूर जाता है कि संस्थान जो है वो जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही जाति की बात सामने आती है ये एक मानसिकता होती है जो बचपन से ही दिमाग में आ जाती है, क्योंकि घरों में परिवारों में इस तरह की बातें होती है, इस तरह का व्यवहार जो है वो देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अक्सर देखा गया, यूनिवर्सिटी में खासकर देखा गया है कि इस तरह के भेदभाव जो है वो बहुत ही आम बात है। देखिए, सवाल यह है उसमें कि ये आम बात है या आपकी बात सही है, मैं उसको ये उसको मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ऐसी बातें ना हो मेरे ख्याल से ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर हम लोग जो है वो अब ऐसा होगा कि जिन विद्यार्थियों ने किया उस विद्यार्थियों पर हम लोग आरोप लगाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को संभालने की जिनकी जिम्मेदारी है उन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे ख्याल से ये जो सेंसिटाइज करने का जो माहौल होता है या मामला होता है वो नहीं होता है। जैसे कि अब
बेंगलोर के इंस्टीट्यूशन में देखिए कि यूनिवर्सिटी में हफ्ते पहले कुछ विद्यार्थियों ने जो है वो बाबा साहब के नाम पे एक डांस बनाया था और ऐसा हुआ कि उस विद्यार्थियों को ही वहां पर सस्पेंड करवा दिया। लेकिन वहां के जो जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है जो उसमें शामिल थे, उनको बरी कर दिया है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भैया इस ऐसे मामले में आप लोगों को संगीन तरीके से उनको सेंसिटाइज करना जरूरी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और यहां जब उन आत्महत्या पर बात गई है तो मैं समझता हूं कि उसमें टॉर्चर काफी बड़ा होगा। एक बात अभी खुल के सामने इंस्टीट्यूशन ये कह रही है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। मेरे ख्याल से ये जो बयानबाजी चल रही है इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कि वो कोप अप नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ उसके पिछले जो रिकॉर्ड आईआईटी के जो वहां के अधिकारी है उनसे पूछा, बोले नहीं, ही इज अ नॉर्मल स्टूडेंट, उसको नॉर्मल मार्क्स मिलते रहे। अब नॉर्मल मार्क मिलता रहा तो इसका मतलब है कि वो कोप अप कर रहा था। तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशन की बात है ये गलत है, उसके माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है और उस पर मैं समझता हूं कि पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और उनके साथ में उस वक्त कौन कौन था, मेरे ख्याल से उनके दोस्त कौन थे, उनके साथ में कौन थे, मेरे ख्याल से उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और उसी पर मेरे ख्याल से ये जो है वेदर इट इज अ सुसाइड और वेदर समबडी हैज प्रोवोक्ड हिम टू कमिट सुसाइड, मेरे ख्याल से इस पर सोच होनी, इस पर जांच होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि संस्थान जो है वो ये बात कह देते हैं कि हमारे यहाँ एसटीएससी सेल है, आप उसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन कई बार ये सिर्फ औपचारिकता मात्र ही रह जाती है, क्योंकि जब तक आप संवेदनशील नहीं बनाएंगे सभी छात्रों को या पूरे उस वक्त जो वातावरण है उसे उतना संवेदनशील नहीं बनाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक छात्र या दो छात्र जाके शिकायत करें, अक्सर ये भी होता है कि वो डर के मारे शिकायत भी नहीं करते। रोहित वेमुला की केस देखिए, उसने तो शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर उस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे उनको बचाने की कोशिश की, वाइस चांसलर थे उनको बचाने की कोशिश की। तो ये सरकार के तरफ से जो होता है तो मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार होना जरूरी है। अगर इस केस में कहीं भी सुसाइड का मामला है तो मैं ये मान के चलता हूं कि वहां पर उसने उसकी अगर 3 महीने की 4 महीने की जो एजुकेशनल लाइफ है वहां पर और जो उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, इफ दे आर अप टू द मार्क, मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उस मिनिमम स्टैंडर्ड के आसपास भी अगर वो है, तो मैं समझता हूं कि ये जो थियरी प्रोजेक्ट की जा रही है कि he was not up to the mark and he was feeling guilty और इसलिए वो कोप अप नहीं कर पा रहा था इसलिए उसने सुसाइड कर दिया, that falls to the ground। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरह से कानूनी पहलुओं अगर ये है तो मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल should also be, प्रिंसिपल जो है वो को एक्यूज होना चाहिए, ये हम लोग मांग करेंगे उसमें। बिल्कुल, unless you make the head of the institution responsible, the sensitization part will never begin in any institution। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि दर्शन सोलंकी मात्र 18 साल का था और यहाँ पर बड़े बड़े सपने उसने और उसके परिवार ने देखे होंगे, लेकिन इस तरह से उसका चले जाना यहाँ पर सभी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और जिस तरह से प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए इस मामले की, क्योंकि ये जिम्मेदारी संस्थान की भी बनती है कि आप कैसा माहौल वहां पर बना रहे हैं, कितना कंफर्टेबल वहां पर छात्र महसूस कर रहे हैं, और इस मामले में जब जांच होगी तभी सामने आएगा कि क्या कुछ हुआ है। फिलहाल देश की बात में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है।
देश भर में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। स्कूल के बाद कॉलेजों में दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन जहां भारतीय कॉलेजों में दाखिले के लिए जी तोड़ कोशिशें की जाएंगी, वहीं लगातार ऐसे छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो आगे की पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले साल 7.5 लाख छात्र पढ़ाई के लिए बाहर गए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पड़ताल की हमारे सहयोगी उमा सुधीर ने, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 12वीं बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं, इसके फौरन बाद हैदराबाद के गीतांजलि सीनियर स्कूल के कम एक दर्जन छात्र आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने को तैयार हैं। स्कूल के मुताबिक बाहर जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वालों की तादाद कोविड के बाद दुगुनी हो गई है। मुझे लगता है वहीं रहूंगी और अपने जीवन की राह बनाऊंगी। मुझे वाकई लगता है कि अमेरिका वो देश है जो मुझे मेरे सपने पूरे करने लायक बनाएगा। One of the reasons, main reasons I'm going. मेरे लिए बाहर जाने की एक वजह विविधता है, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों से मिलना। मैं अलग अलग पेशेवर लोगों से मिलूंगी और डबल डिग्री लेने की कोशिश करूंगी, जो भारत में आसान नहीं है। People have a broader chance to do a double degree, which in India is not that possible because top universities in India do not give a double degree. I got into a university. मुझे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिला और कुछ हद तक स्कॉलरशिप भी, लेकिन मैंने तय किया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट करूंगी। Undergrad, I'll go for post graduation. और ये ट्रेंड देश भर में दिख रहा है। कोविड के बाद के समय में विदेश जाने वाले छात्रों की तादाद 68% हो गई है। 2021 में विदेश जाने वाले छात्रों की तादाद 4,44,553 थी, जो 2022 में 7,50,365 हो गई। ये 6 साल में सबसे ज्यादा है। जनवरी में भारत सरकार ने कहा कि अब से विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ पर कैंपस स्थापित करने का मौका मिलेगा, ताकि यहीं रहकर छात्र विदेशी डिग्री पा सकते हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि इससे छात्रों का विदेश जाना कम नहीं होगा, क्योंकि डिग्री के अलावा उनको नौकरी और जिंदगी बनाने का एक मौका भी चाहिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। अभी तक आप दिल्ली में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव की खबरें सुनते थे, लेकिन अब पंजाब से भी ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पंजाब की आप सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच तलवारें खिंच गई हैं। क्या है वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। पंजाब नो जिहड़े जिन्होंने चुनिया है ओही फैसले करन, इलेक्टेड करन, ना कि सिलेक्टेड कोई बिच अपनी टांग अड़ाउण कि आ क्यों हो गया आ ना हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये तंज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के लिए है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सरकारी स्कूल शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव पैदा हो गया है। 13 फरवरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, पूछा कि जिन प्रिंसिपलों को सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, उनके चयन की प्रक्रिया क्या थी, प्रिंसिपलों की सिंगापुर में ट्रेनिंग और आने जाने पर कितना और कैसे खर्च हुआ। चेतावनी भी थी कि अगले 15 दिन में जवाब ना मिला तो वो कानूनी सलाह लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें याद दिलाया कि ये विषय राज्य का है, लगे हाथ उनकी नियुक्ति के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोकतंत्र च इलेक्टेड लोग जिहड़े ने ओ वड्डे ने, सिलेक्टेड तां कोई भी हो सकदा है, ठीक है ना। सो उन्हां नाल भी कोई नहीं सुधार लांगे, आ जाणगे ली ते, क्योंकि कई बार इधरों उधरों कोई कह दिंदा ऐ लिख दो ऐ लिख दो, वह चंगा नहीं लगता। कानून फिर सानू भी पता, फिर ऐ तां फिर सो कानून तां फिर सारे वास्ते इक्को ही है। सो जिहड़े कानून राहीं ओह रोकदे ने, उस कानून राहीं उन्हां नूं असीं जवाब भी दे दांगे। जाहिर है बीजेपी राज्यपाल के साथ है, लेकिन पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साध रही है। जेड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपने प्रतिनिधि हर स्टेट च अपॉइंट करता, उसका ऑफिस ऑर्डर देख लेन। मुख्यमंत्री इन्ने अज्ञानता क्यों रखते हैं, उन्होंने कोई समझाने वाला क्यों नहीं, बोलने तो पहला सोचते क्यों नहीं। ये पूरे पंजाब के मुख्यमंत्री हो, बदनामी पंजाब की होंगी है, ये ऐसे लोग भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक, जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हैड है पंजाब, उहदियां जे कुछ क्वेरीज ने जिहड़ियां मैं समझना बिल्कुल ठीक ने। 5 चिट्ठियां दा उन्हां जिक्र कीता है, 1 चिट्ठी चौथे नंबर ते मेरी है जिहड़ी मैं उन्हां नूं एक नवल अग्रवाल बारे लिखी, ते चीफ मिनिस्टर साहब दा जे दफ्तर जवाब नहीं दिंदा, इह फिर इस तरह ही होएगा कि कल नूं चीफ मिनिस्टर दी कोई चिट्ठी चीफ सैकटरी नूं जाएगी, ते चीफ सैकटरी
जवाब देने तो इनकारी हो जाएगा या उही जवाब देगा जिहड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अज गवर्नर नूं दिता है, तो यह तो अनारकी हो जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपलों को 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। दिल्ली में भी सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के सवाल पर सरकार और उपराज्यपाल में टकराव चल चुका है। पंजाब एक पूर्ण राज्य है जबकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते दोनों जगह टकराव का मुद्दा एक होते हुए भी एक बड़ा अंतर यह है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल विदेश में सिंगापुर में ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, जबकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स तब तक विदेश में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते जब तक उपराज्यपाल मंजूरी ना दे दें। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और श्रद्धा वालकर जैसा हत्याकांड दिल्ली में एक बार फिर सामने आया। निक्की यादव की उसके ही प्रेमी ने गला घोटकर हत्या कर दी। निक्की यादव को उसके ही लिव इन पार्टनर ने पहले गला घोटकर मारा और फिर उसके शव को फ्रिज में बंद कर दिया गया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। निक्की का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज ही निक्की का पोस्टमार्टम हुआ था। उसके परिवार जन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचे थे, और पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाया गया। और आज ही अब से कुछ देर पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं। अंतिम संस्कार निक्की का कर दिया गया है। यहाँ पर निक्की के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें निक्की के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने साहिल गहलोत जो कि आरोपी है इस मामले में उसके लिए सजाए मौत की मांग की है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस आरोपी साहिल गहलोत ने निक्की को मौत के घाट उतारा 9 फरवरी को, उसके ही अगले दिन 10 तारीख को जाकर उसने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और उसे भी कानो कान कुछ खबर नहीं हुई कि ये हत्या करके पहुंचा है। देश की बात में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुलू नेशनल पार्क में और बढ़ने वाला है चीतों का कुनबा। दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं 12 चीते। और अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से चीतों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। नामीबिया से लाकर बसाए गए 8 चीतों के बाद अब साउथ अफ्रीका से 12 चीते कूनो लाए जा रहे हैं। अफ्रीकन चीतों को कूनो में लाने के लिए भारत से 4 लोगों का एक विशेष दल भी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की एक खास रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका से कूनो आने वाले खास मेहमानों के लिए 30x50 के 10 अलग अलग बाड़े तैयार हैं, जिन्हें लगभग बोमा की शक्ल दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 फरवरी को कूनो पहुंच जाएंगे, जिसमें 7 नर और 5 मादा हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान में जोहानिसबर्ग से ग्वालियर ले जाया जाएगा। वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वो कूनो पहुंचेंगे। क्वारंटाइन बोमा, जिसमें कि सबसे पहले ला करके रखना है, हमने 8 और 2 10 क्वारंटाइन बोमा तैयार करके रखे हुए हैं, क्योंकि उसमें कुछ कोएलिएशन वाले भी एनिमल हैं। और यहाँ से हमारे यहाँ से अमृतांशु सिंह ACF वो गए हैं, जोहानसबर्ग से लेकर के आना है। बड़े बाड़ों में स्थानांतरित करने से कम 1 महीने के लिए 12 चीतों को बाड़े में ही खाना दिया जाएगा। इनके आने के बाद नामीबिया से आए कुछ चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है। NDTV से खास बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही संकेत दिया था कि फरवरी से ही चीतों को देखने पर्यटक आ सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश इस समय टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। फरवरी में संभावना है, क्योंकि अब बड़े बाड़े में छोड़ें, इसके बाद खुले में उनको छोड़ेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न है, तो फरवरी में हम ये संभावना जता रहे हैं, जो अभी विशेषज्ञों से बात हुई है कि धीरे धीरे खोलना प्रारंभ करें। हालांकि किडनी की परेशानी से पीड़ित मादा चीता साशा अब पहले से बेहतर है, उसे बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी उसके खुले जंगल में जाने में वक्त लग सकता है। नामीबिया से जो 8 चीते 17 सितंबर को आए थे और दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते आ रहे हैं, उनमें एक फर्क है।
जो दक्षिण अफ्रीका के चीते हैं वो सारे जंगली हैं, जबकि नामीबिया से जो कुछ चीते आए थे उनको संरक्षित तरीके से रखा गया था। ऐसे में उन्हें जंगल के अनुरूप ढलने में कुछ वक्त लगा। एक और खबर है कि नामीबिया से आए 3 मादा और 2 नर चीते एक साथ एक बाड़े में रह रहे हैं। जानकारों का कहना है कि उनका कुनबा बढ़ने के संकेत दे रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अजय के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। DRDO ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 24 घंटे बगैर ईंधन भरे लगातार उड़ान भर सकता है। इसका ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु में एयरशो के दौरान जब जहाज हवा में करतब दिखा रहे थे तब भी ये टोई विमान जो है 15,000 फुट की ऊंचाई से तस्वीरें ले रहा था। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। दर्शकों की नजर हवाई करतब पर थी, इससे बेखबर कि कलाबाजी खाते जहाजों और इसका लुत्फ उठा रहे लोगों पर कोई 15,000 फुट की ऊंचाई से नजर रख रहा है। ये फुटेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के ड्रोन तपस ने ली है। इसमें बहुत ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, ये डे नाइट का कैपेबिलिटी है। यदि दिन में कोई कैमरा काम करता है तो रात में थर्मल इमेजिंग या IR इमेजिंग के थ्रू कैमरा काम करता है। और ऑल वेदर में यदि क्लाउड वगैरह भी है तो भी इसमें रडार के थ्रू आप टेरेन मैपिंग वगैरह कर सकते हैं। DRDO के ड्रोन तपस का ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस साल एरो इंडिया पर ये लगातार नजर रख रहा है, रनवे के साथ साथ आसपास के इलाकों पर। तपस एक बार में 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और बगैर दोबारा ईंधन भरे 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर की रफ्तार से 2,800 किलोग्राम वजन के इस ड्रोन में डबल इंजन है। इसी तर्ज पर हथियारों से लैस आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन अपने अंतिम फेज में है, जिसे अगले साल ट्रायल के लिए उड़ाया जाएगा, जो कि 300 किलो का पेलोड लेकर अपने लक्ष्यों को भेज सकता है। सवाल ये उठता है कि जब तपस को बनाने में 8 साल लगे तो इसका हथियार वाला वर्शन इतनी जल्दी तैयार कैसे होगा? जो भी टेक्नोलॉजीज हमने वहाँ पे डेवलप करी हैं, तो हमने उन सारी टेक्नोलॉजीज के ब्लॉक्स को आप उसको मास्टर कर लिया। टेक्नोलॉजी रेडिनेस लेवल बहुत हाई हो गया है, तो उसकी वजह से हम ये वाला जो एयरक्राफ्ट है 1.5 साल के अंदर हम इसको ट्रायल्स के लिए रेडी कर पाए। एरो इंडिया में तपस बगैर किसी बाधा के लगातार लाइव फुटेज बारीकी के साथ कंट्रोल रूम को भेज रहा है, जो इसकी क्षमता और दक्षता का प्रमाण है। 300 किलोग्राम पेलोड के साथ ये ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी। जो जानकारी यहाँ हमें दी गई है इसके मुताबिक दुनिया के कई देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है, यानी कमीशन होने से पहले ही बाजार तैयार है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। देश की बात में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।